हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास फूड वर्ल्ड। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक रॉयल फलूदा की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमें लगने वाला है पिस्ता आइसक्रीम, दो प्रकार की जेली, बादाम पिस्ता दूध, फलूदा सेव, भिगोए हुए सब्जा भी, थोड़े गार्निश के लिए चेरीज, ड्राई फ्रूट्स और मिक्स्ड फ्रूट। सबसे पहले आप 20 से 25 बादाम लेकर इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। सेकेंड स्टेप, 1 टेबल स्पून सब्जा भी को लेकर नॉर्मल पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमें 2 टेबल स्पून जेली पाउडर को लेकर 200 ml गरम पानी में मिक्स करना है। याद रखिए, पानी बहुत ही गरम होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें फ्रिज में 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। सेम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें रेड जेली भी बनाना है। इसे भी हमें 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देना है। चलते हैं बादाम पिस्ता दूध की ओर। तो हमने जो बादाम भिगो कर रख दिए थे उसका सारा छिलका निकाल कर उसे एक मिक्सर जार में थोड़ा सा दूध के साथ पीस लेना है। तो इस तरह हमारा बादाम पेस्ट तैयार हो जाएगा। बादाम पिस्ता दूध गाढ़ा होने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स करके लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। बादाम पिस्ता दूध बनाने के लिए 300 ml दूध को बॉईल करने के लिए रख दे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, इस स्टेज पर 1 टीस्पून केसर, 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ बादाम पिस्ता और हमारा पिसा हुआ बादाम का पेस्ट ऐड कर दे। इसे अच्छी तरह से मिला दे। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए। 1-2 मिनट अच्छी तरह मिलाने के बाद इस पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है, और हमारा मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर का बैटर भी मिला दे। कॉर्नफ्लोर का बैटर जैसे ही मिलाते हैं दूध में, दूध गाढ़ा होने लगता है और हमारा बादाम पिस्ता दूध तैयार हो जाता है। इस दूध को हमें 3 से 4 घंटा चिल कर देना है। फलूदा सेव बनाने के लिए हमें एक बाउल में थोड़ा सा आइस क्यूब्स को पानी में मिलाकर रख देना है। याद रखिए, पानी चिल्ड होना चाहिए। फलूदा सेव बनाने का दूसरा स्टेप, 1 पैन में 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और 2.5 कप पानी ऐड करके एक लम्स फ्री बैटर को तैयार करना है, और साथ ही 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड करना है। बैटर लम्स फ्री होना चाहिए। बैटर को तुरंत ही लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख देना है। जैसे ही बैटर पकने शुरू हो जाएगा, बैटर गाढ़ा होते जाएगा और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी होता जाएगा। जैसे ही बैटर गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हमें गैस को स्विच ऑफ करना है और हमें गैस से इसे तुरंत ही उतार देना है। बैटर को साइड पे रख दे और फलूदा सेव मेकर को लेकर ऑयल से ग्रीस कर ले। ग्रीस किया हुआ सेव मेकर को लेकर तुरंत ही बैटर को भरना है। बैटर गर्म होना ज़रूरी है। बैटर को इसके अंदर भरकर इसका ढक्कन लगा दीजिए, और हमारा जो चिल्ड पानी है इसमें हमें धीरे धीरे फलूदा सेव को गिराना है। फलूदा सेव को हमें चिल्ड पानी में ही रखना है जब तक हम इसे यूज़ ना करें।
फलूदा ड्रिंक असेंबल करने का सारा सामग्री यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो चलिए फलूदा ड्रिंक असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लास लेकर 2 टेबलस्पून सब्जा बी, 1 टेस्पून जेली, 2 टेबलस्पून फलूदा सेव, थोड़ा सा बादाम पिस्ता दूध, थोड़े से मिक्स्ड फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 2 टेबलस्पून सब्जा सीड्स, 1 टीस्पून जेली, 1 स्कूप पिस्ता आइसक्रीम, और इसे गार्निश करना है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चेरीज और मिक्स्ड फ्रूट्स के साथ। तो इस तरह हमारा फलूदा ग्लास तैयार हो चुका है। सो डू ट्राई दिस डिलीशियस चिल्ड रॉयल फलूदा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रियास फूड वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।